हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। आज के व्लॉग में एक नया कंट्री के लिए वैकेंसी निकल के आया है। ये कंट्री आके उमान के लिए बहुत बड़े लीडिंग एंड होटल डिपार्टमेंट है इनका, इस पर 3 वैकेंसी निकल के आया है। ये डायरेक्ट आके आपको ऑनलाइन इंटरव्यू है, जूम इंटरव्यू, जो कोई CV सिलेक्शन हुआ थे उन लोगों के लिए ही जूम इंटरव्यू रखा जाएगा। ठीक है दोस्तों, फर्स्ट ऑफ़ ऑल अपना CV शॉर्टलिस्ट कराइए, उसके बाद आप इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर हो जाइए और CV अपना अच्छे से बनाइए, क्लियर से बनाए, वो भी समझाएगा मैं आपको। चलो बढ़ते अपने टॉपिक की तरफ। पोजीशंस बताए तो फर्स्ट पोजीशन है कि होटल हाउसकीपिंग। इसके लिए आपके पास वेल पर्सनैलिटी, प्रेजेंट पर्सनैलिटी रहना बहुत ज़रूरत है। 2 साल नहीं तो 3 साल का एक्सपीरियंस रहना चाहिए होटल लाइन में। 3 स्टार अंडे, 2 स्टार अंडे, 5 स्टार होटल में अंडे, आपकी इंग्लिश अच्छी खासी रहना चाहिए, आप अच्छी खासी इंग्लिश बोलना चाहिए, गुड कम्युनिकेशन स्किल्स चाहिए। आपकी एज रहेगी 22 ईयर्स से लेते हुए 40 ईयर्स तक, इस दरमियान में आपकी एज रहना बहुत ज़रूरत है। ठीक है दोस्तों, सेकेंड पोजिशन है वेटर के लिए। वेटर के लिए सेम कैटेगरी है, आपकी पर्सनैलिटी अच्छी खासी रहना चाहिए, इंग्लिश आपको अच्छी खासी आना चाहिए। एज कैटेगरी 22 लेते हुए 35 ईयर्स तक, इस दरमियान में आपकी एज रहना चाहिए। और थर्ड पोजीशन आके क्लीनर मेल, ये पोजीशन ओनली मेल्स के लिए, फीमेल्स के लिए नहीं है, तीनों भी वेल पर्सनैलिटी इसमें भी चाहिए। पब्लिक प्लेसेस में, ऑफिसेस में आपको क्लीनिंग काम करना पड़ेगा, आपकी एज रहे चाहिए 22 ईयर्स लेते हुए 40 ईयर्स तक, इस दरमियान में आपकी एज रहना चाहिए। कंपनी आपको एडिशनली फ्री खाना दे रही है, फ्री ट्रांसपोर्ट दे रही है, 12 आवर्स ड्यूटी रहेगी, वो आपको 1 मंथ में 28 डेज वर्किंग करना पड़ेगा, 1 महीने में आपको 2 ही छुट्टी मिलेंगे। ECR और ECNR बोथ आर एक्सेप्टेबल, मतलब जो भी 10 क्लास सर्टिफिकेट रख के बनाया वो भी, जो भी 10 क्लास सर्टिफिकेट नहीं रख के बनाया वो भी अप्लाई कर सकता है इस जॉब के लिए, और ECR और ECNR होल्डर दोनों भी एलिजिबिलिटी इस जॉब के लिए। और कांटेक्ट करने से नंबर्स आके 8108106430, दूसरा नंबर है 9152101147। और आप जो भी अपना डॉक्यूमेंट भेजना चाहिए इनको मेल कर दीजिए। डॉक्यूमेंट्स है कि अपडेट, CV, वाइट बैकग्राउंड फोटोग्राफ, पासपोर्ट का भी फ्रंट एंड बैक, एजुकेशन सर्टिफिकेट एंड आल्सो एक्सपीरियंस है तो अच्छी बात है, एक्सपीरियंस नहीं तो भी कैसे एक पैदा करके एक्सपीरियंस रख के जॉब में सेलेक्ट हो जाइए। CV आके आप ये मेल ID को भेजना चाहिए, सब्जेक्ट में लिखा है वांट टू अप्लाई फॉर हाउसकीपिंग है तो हाउसकीपिंग, वेटर है तो वेटर, क्लीनर है तो क्लीनर लिख के ओमान कंट्री बोल के लिख के भेज दीजिए। मेल ID है कि omansvs@hamdanconsultancy.com। ठीक है दोस्तों, इनका वेबसाइट भी है देख सकते हैं www.hamdanconsultancy.com, ये है इनका वेबसाइट, जाके इनके वेबसाइट में चेकआउट कर सकते हैं अबाउट इस कंसल्टेंसी के बारे में। ठीक है दोस्तों, आज के व्लॉग में इतना है। व्लॉग अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, ना अच्छा लगा डिसलाइक कीजिए, कमेंट करना मत भूले। जो भी क्वेश्चन है, जो भी आपके डाउट्स है, बहुत जल्दी रिप्लाई देने की कोशिश करेगा जो भी, और जो कोई भी इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं, जो कोई इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर हो रहे हैं, जो कोई भी जॉब के लिए सर्च कर रहे हैं, उनको स्मॉल सजेशन है मेरा, इंटरव्यू के पहले कोई भी एजेंट को कोई भी कंसल्टेंसी को सिंगल रुपये और ओरिजिनल डॉक्यूमेंट मत दिए। वंस आपका वीज़ा आने के बाद चेक करके 1 से 2 उसके बाद जो भी कंसल्टेंसी चार्जेस है पे कर देके आप जा सकते हैं। ठीक है, आज के ब्लॉग में इतना ही, ख्याल रखें अपना भी, इस चैनल का भी।